पुदीना और हरे धनिये की चटनी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है हरी मिर्च, चार हरी मिर्च ली है यहाँ पे, हरा धनिया, पुदीना, सॉल्ट, लेमन जूस और दही। बहुत ही आसान है रेस्टोरेंट जैसी हरी चटनी घर पे बनाना। धनिया और पुदीना हम पीस लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके। अब कोई भी चाट बनाते हैं तो चाट में ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पुदीना भी मिक्स कर लेंगे इसी में। इसी में हम डालेंगे हरी मिर्च। आपको कितना तीखा चाहिए इसके हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने चार हरी मिर्च डाली है। इसी में ऐड करना है जो कि मैंने लिया है हाफ लेमन का जूस। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसी में मैं ऐड करूँगी दही। दही से थोड़ा चटनी का टेस्ट और बढ़ जाता है इसलिए मैं दही ऐड कर रही हूँ। और इसमें ऐड करना है अभी नमक स्वादानुसार। आप यहाँ पे काला नमक भी यूज कर सकते हैं। स्वादानुसार डालना है यहाँ पे नमक। अभी हम ग्राइंडर में इसे अच्छे से पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। और ये हमारा फाइन पेस्ट बन के रेडी है। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स हो तो ये चटनी बनाना बिल्कुल आसान है, सिर्फ 2 मिनट लगता है। चटनी बन के रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।